Comedy Studio, laughter for the nation. मुझसे अभी किसी ने पूछा कि इंडिया खास कब बनेगा? पूछा? मैंने कहा कभी नहीं बन सकता क्योंकि हमारा तो राष्ट्रीय फल ही आम है। इसीलिए लोग उसको चूस चूस कर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पर सच्ची बात बताऊं, चूसने से खत्म नहीं होता, आगे बढ़ता है। और स्ट्रांग होता है। हमारे देश में कितने घोटाले हो रहे हैं, पर ये आगे बढ़ रहा है और स्ट्रांग हो रहा है। एक बार राक्षसों की नगरी में कंपटीशन हो गया। कंपटीशन क्या था? टट्टी कंपटीशन। अब खेतों में बैठे हुए हैं, महाराज महिषासुर भी बैठ गए। जैसे ही उसका लेंडा बाहर निकला, खाली जगह देके सांप अंदर घुस गया। महाराज के बैकयार्ड में प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि वो सांप है, छड़ी थोड़ी है, वो टिक नहीं रहा था, इधर उधर जा रहा था। महाराज के फेफड़े तोड़ दिए उसने। फिर बीन वाला बुलाया गया। बीन वाले ने बीन बुझाई, सांप अंदर घूमता रहा, मजे करता रहा। वो बोले नहीं कुछ और। तभी एक इंटेलिजेंट बंदा वो आया, कहता सर एक मिनट, महाराज बैठ सही। महाराज बैठे हुए, उसने कटोरी में दूध डाला, जैसे दूध आगे किया सांप बाहर, दूध पीछे किया सांप अंदर। फिर से कटोरी आगे की सांप बाहर, कटोरी पीछे की सांप अंदर, ऐसे ऐसे होता रहा। सांप बाहर नहीं निकला पूरा दिन, पर वो अंदर बाहर चलता रहा। वो बोला महाराज सांप बाहर नहीं आ सकता। महाराज महिषासुर बोले सांप को मारो गोली, तुम कटोरी आगे पीछे करते रहो। अच्छा, इनका ज्यादा बेड़ा गर्क किया टीवी वालों ने, अजीबोगरीब दिखा के इनको। आपने देखा होगा राक्षसों के जो नाटक आते हैं, पीछे से प्रॉम्प्टिंग चलती है, मतलब वो जो डायलॉग बोलते हैं पीछे एक आदमी रखा होता है, वो गा के मतलब कुछ सेम डायलॉग को रिपीट करता है। कैसे होता है वो, सीन चल रहा है, महिषासुर महाराज अपनी माता श्री को बोल रहे हैं, माता श्री मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि जंग में जाकर मैं विजयी होके आऊं। पीछे से प्रॉम्प्टिंग, बोला राक्षस माता श्री दो तुम्हें आशीर्वाद, जंग में जाकर विजयी होकर लौटूं वापस। माता श्री बोल रही है, बेटा विजय बाबा बोली माता है, बेटा विजय श्री तुम। अच्छा मान लो सेम प्रॉम्प्टिंग आजकल की फिल्मों में लगे तो कैसा माहौल होगा। अभी एक फिल्म का सीन है, गुलशन ग्रोवर हीरोइन को पकड़ के जबरदस्ती कर रहा है। अब उसने डायलॉग बोला हीरोइन ने, छुड़वा रही है, छोड़ दो मुझे, गुलशन ग्रोवर छोड़ दिया। अब पीछे से प्रॉम्प्टिंग शुरू हो गई लड़की की ओर से, वो बोल रही है, पीछे से आवाज आई, भोसड़ी वाले छोड़ दे, छोड़ दे मुझे को, मान ले मेरी चूती है, करने दे कोई का। ऊपर से गुलशन ग्रोवर बोल रहा बैडमैन, उसकी प्रॉम्प्टिंग शुरू हो गई, बैडमैन हूं बैडमैन, छोड़ूंगा नहीं, चूचक चूचक खेल के आऊंगा नहीं बा।
अभी मान लो मर्डर फिल्म का सीन चल रहा है, वो जो मल्लिका शरावत और इमरान हाशमी का था, उसमें डायलॉग नहीं थे, उस सीन में सिर्फ प्रॉम्प्टिंग लगे तो कैसे होगा? मल्लिका शरावत लेटी हुई है बेड पे, पीछे से प्रॉम्प्टिंग शुरू हो गई, लेट गई मल्लिका बेड पे अर्ध वस्त्र वहीं चढ़ गया ऊपर हाशमी हो कर पूरा ली हो कर पूरा ली अभी राक्षस होते हैं बहुत बड़े चूतिए मतलब फुकरे उन सालों ने ना तीर टांगे होते हैं यहां पे वो सामने वाले पे नहीं मारते फुकरे दिखाने के लिए ऊपर चलाते रहेंगे ऊपर बिजली बारिश साले एयर शो कर रहा है वो हाथ डालता है जंग से पहले तीर खत्म हो गए अब उसको टेंशन पड़ जाती है पर ये क्या करते हैं ऐसे होके ना कुछ मंगवा लेते होते हैं आंखें बंद करके अब राक्षस ने आंखें बंद की कि उसके हाथ में हथियार आ जाए अब उसका हथियार पता नहीं कौन सा आना है उसको खुद नहीं पता उसका गुरु ने भेज देना अपनी मर्जी से आंखें बंद करके मरवा रहा है मतलब हथियार आता है खुद के हथियार को देख के हैरान हो जाता है वो दूर से देखो ऐसे लगता है साले ने केले का पत्ता पकड़ा हुआ है अच्छा उसके बाद तीर चलते हैं इधर से तीर चला किसी ने उधर से तीर चला तीर चल रहे हैं पीछे से प्रॉम्प्टिंग शुरू हुई थी चला तीर ये चला तीर ये चला तीर ये चला तीर सालों कहां यात्रा पे निकला हुआ है इतने टाइम में फ्लाइट बॉम्बे से चंडीगढ़ आ जाती है इनका तीर नहीं आता अब तीर दोनों आके टकरा जाते हैं अब जिसका तीर गायब हो जाता है उसके एक्सप्रेशन मन में सोचता तेरी माँ की जिसका तीर गायब नहीं होता उसके अभी मंत्र जब पढ़ते हैं जो सही बंदे वो तो सही मंत्र पढ़ते होंगे किसी ने सुना है जब देखा जाके राक्षस क्या बोलते होंगे वो क्या मंत्र पढ़ते होंगे कोई मंत्र सही नहीं पढ़ते होंगे साले अंदर मंत्र पढ़ते होंगे तीर चलाने से पहले ना तेरी माँ का भोसड़ा तीर को बोल रहे होंगे भोसड़ी वाले इस चूतिया के पिछवाड़े में जाके लगना और सबसे अजीब होती है सेना जो लड़ रही होती है आगे वाले उससे जो मीडियम वाले होते हैं उससे सबसे पीछे वाले होते हैं वो आराम से बोल भाई क्या हाल है क्या यार चूतिया बनाया हुआ है साले खाने को देते नहीं जंग दूसरे दिन लगा देते हैं बस